सोमवार को मार्केट खुलते ही सिर्फ बैंक कौन कौन सा बैंक, उसके पहले जान लीजिए निफ्टी बैंक क्या कहता है। मार्केट नेक्स्ट वीक जून का दूसरा वीकली, एक सप्ताह पहले, जून के एक सप्ताह पहले दूसरे वीकली एक्सपायरी के बारे में जान लीजिए क्या करने वाला है। तो क्लोजिंग हुआ था बैंक 43,937 पे क्लोजिंग हुआ था निफ्टी बैंक। सभी को मालूम है। अब सोमवार को क्या करना है, तो क्लोजिंग को देखना है 43,937। बेस इसका बना हुआ है, बढ़िया बेस बना हुआ है 43,946। क्लोजिंग जो हुआ था, क्लोजिंग से बढ़ के 7 पॉइंट ज़्यादा का बेस बना हुआ है दोस्तों। तो बेस बना हुआ था इसका मतलब कि ऊपर अभी और जाना 100% तय है। अब रह गया कि बाइंग प्राइस कहाँ पे हम खरीदेंगे, खरीदने का बाइंग लेवल। तो पहला लेवल हम बता दें कि कब खरीदना है, जब तक कि आता नहीं है वो खरीदना नहीं है दोस्तों। 43,804 याद रखिएगा, 43,804 पहला बाइंग लेवल है। जब तक ये नहीं आता है आपको ख़रीदारी से बचना चाहिए, ठीक है। 43,804 ये आप जान लीजिए। सेलिंग कहाँ करेंगे, तो 44,080 पहला बेच कर निकल जाना है। दूसरा लेवल है बाइंग लेवल का, वो भी हम आपको बता दें। दूसरा है आपका 43,670 याद रखिएगा, ये है दूसरा लेवल नीचे की तरफ आता है तो। और दूसरा सेलिंग प्राइस है वो भी हम आपको बता दें, 44,222। ये आपका अगर ऊपर की तरफ जाता है 43,804 के बाद नीचे की तरफ फिर ऊपर आता 44,080 और फिर दूसरा लेवल 44,222, तीसरा लेवल आता है 44,356 याद रखिएगा एक पॉइंट, इसलिए कि ये यहाँ तक भी पहुँच सकता है सोमवार को मार्केट खुलने के बाद। और चौथा लेवल एक बढ़िया लेवल है 44,395 का, मतलब 45,000 का निफ्टी बैंक 45,000 का लेवल बहुत जल्दी छूने वाला है और ये संकेत बताता है। लेकिन लालच नहीं करना दोस्तों, ठीक है। ये है आपका, और नीचे की तरफ निफ्टी बैंक वो भी हम आपको बता दें बाइंग कहाँ कहाँ होगी। तो पहला बाइंग होगी आपका 43,804, दूसरा आपको 43,670 और तीसरा 43,527 और चौथा 43,405 नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ 44,080, 44,222, 44,356, 44,395 ये याद रखिएगा निफ्टी बैंक का। अब आइए दोस्तों मैं बता दूं आपको निफ्टी 50 का भी, इसी के साथ साथ इसका भी बेड़ा पार हो जाए। निफ्टी 50 का भी लेवल आपको इसी समय ख़त्म कर दिया जाए ताकि कोई लफड़ा नहीं रहे। चलिए निफ्टी बैंक जो है क्लोजिंग हुआ था